नवनिर्वाचित विधायक गण की बैठक हुई बहुत ही अच्छे माहौल में। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पाठ हुआ है कि भाई हाईकमान जिसको बनाएगा नेता विधायक दल का उत्कम सीट से कार्य करें सब संबंधित प्रस्ताव पाठ का प्रस्ताव हुआ है। ये हमारी परंपरा भी रही है, पूरी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रस्ताव पाठ। अब उसके बाद में कोई राय देना चाहें अपने अलग से तो वो हमारे प्रभारी जो आए प्रवेक्षक तीनों पर बैठे हुए हैं वो भी राय दे सकते हैं। ये मुख्य रूप से ये हुआ सर। जो नतीजे जो आए उस पर भी कुछ चर्चा हुई क्या बैठक में? जो नतीजे आए हार हुई उस पर भी कुछ चर्चा हुई? देखिए नतीजे तो जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में राजस्थान तो फिर भी डाउटफुल मानते थे और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो धारणा थी कि कांग्रेस जीत रही है पर नतीजे जो आए वो बिल्कुल अप्रत्याशित आए हैं। वोट शेयर कहीं कम नहीं हुआ ना राजस्थान में ना मध्य प्रदेश में ना छत्तीसगढ़ में। जो पहले वोट शेयर था वो आज भी कायम है कांग्रेस के पास, ये शुभ संकेत है आगे के लिए। पर बीजेपी का वोट शेयर है वो जो पहले इंडिपेंडेंट थे या कोई भी थे वोट शेयर उनके पास चला गया। राजस्थान में तो 2% 2.5% का फर्क रहा है, बाकी जगह 7% का 4% है आपको मालूम ही है। ये जो एक नतीजे ऐसे हैं जिसका वैश्विक लेवल पर ही विस्तृत होगा बातचीत करेंगे भाई क्या कारण रहे होंगे। ये तो राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिजोरम सभी चुनाव हुए हैं, ये काम तो अखिल भारतीय स्तर पर होगा कि भाई क्या कारण रहे होंगे। और मेरा मानना है कि हमें लग रहा था कि सरकार बन जाएगी इस बार राजस्थान के अंदर, हर व्यक्ति जवान में ही था भाई अच्छे काम किए सरकार ने। पहली गवर्नमेंट देश के अंदर सरकार में रहते हुए उसके खिलाफ में कोई माहौल नहीं था। ये पहली गवर्नमेंट जो एंटी इनकमिंग कहलाती है सत्ता विरुद्ध लहर वो चाहे मीडिया वाले हो चाहे कोई भी हो एक सुर में कहती थी कि राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है वरना जिस सरकार होती है थोड़ी बहुत तो सत्ता विरोध लहर हो ही जाती है। ये वो प्रदेश था जहाँ बिल्कुल ही नहीं थी, शानदार स्कीमें थी, शानदार कानून पास किए और शानदार तरीके से गारंटी थी हम लोगों ने परफॉर्मेंस अच्छे किए लागू हो गई गारंटी भी और स्कीमें हमारी सब कुछ ठीक लग रहा था लोगों को इसलिए हर आदमी जवान पे था सरकार तो रिपीट होगी होगी। उसके बाद में भी जो हमारे विपक्ष के लोग आए प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी सांसद मुख्यमंत्री उनकी अप्रोच विधानसभा चुनाव वाली नहीं थी जो होनी चाहिए थी। जब हम संगत कर रहे हैं लोकल इश्यू क्या है विकास के मुद्दे पर हम लोग चाहते थे चुनाव हो और जनता फैसला करे उसके बाद में, उसकी बजाय विकास के मुद्दे पर परफॉर्मेंस पर हमारी कोई गलतियाँ हैं कमियाँ हैं इसकी में कोई कमी है उस पर डिस्कशन नहीं किया उन्होंने। वो इसको कन्हैयालाल पे ले गए और झूठ बोले इन्होंने, उनको 5 लाख दिए मुस्लिम को 50 लाख दे दिए तो 50 लाख उसी को दिए थे कन्हैयालाल को। पर जिस प्रकार की अफवाहें चलाई गई झूठ बोल बोल करके ये शोभा नहीं देता बड़े नेताओं को बीजेपी के नेताओं को झूठ बोल के राजनीति करे झूठ बोल के भ्रमित पैदा करे लोगों को भ्रम पैदा करे गुमराह करे ये शोभा नहीं देता उनको। पर पूरा झूठ बोला गया बर्तन बनाया गया झूठ बोलने का। महिलाओं पर अत्याचार है, पूछो क्या हो रहा है यूपी के अंदर क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, हम तो तुलना नहीं करना चाहते। हमने कंपलसरी कर दी यहाँ पर FIR भी। इतने मैं कहना चाहूँगा पूरा झूठ के आधार पर चुनाव लड़े गए उनके द्वारा, उस तो कामयाब हो गए कि ध्रुवीकरण कर दिया। और जब ध्रुवीकरण होता है चुनाव में तब फिर लोग ना स्कीमें देखते हैं ना कानून देखते हैं ना गारंटी देखते हैं। ये तो मैं उनके बारे में कॉमेंट नहीं करना चाहता तो वो क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं। पर मैं तो इसलिए कहूँगा उन्होंने चुनाव जो जीता है हमें जीता हारने का दुख नहीं है, उतने चिंता हम लोगों की है तो देश में क्या होगा जहाँ जुडिशरी की धज्जा उड़ रही है। जुडिशरी के तो दबाव में है, संविधान की धज्जा उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है और ED इनकम रेट CBI और अभी इलेक्शन कमीशन का भी दुरुपयोग हो रहा है, लोकतंत्र का क्या होगा।
देश की दिशा में ले आ रहे हैं कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। ये हालात में देश चल रहा है, ये चिंता रहने की स्थिति है। मेरी भूमिका रहेगी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, हमेशा काम करूंगा, अंतिम ख्याल से सेवा करूंगा लोगों की, किसी की भी सेवा करते रहूंगा। कोई पद की नहीं पद की बात नहीं है, मैंने पहले ही कहा आपको, मैं बार बार रिपीट क्या करूँ। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए हमने अभी कहा, आह्वान किया सबको, अभी से अब लग जाओ लोकसभा चुनाव की तैयारी करने। मैंने भी तमाम विधायक निर्वाचित हैं उन्हें रिक्वेस्ट करिए कि हम सब की ड्यूटी बनती है कि लोकसभा चुनाव में हम क्या परफॉर्म करें और किस प्रकार परफॉर्म करें, क्या कर सकते हैं। अभी से हम लोगों को अपने क्षेत्र में जहाँ 8 क्षेत्र होते हैं हमारे यहाँ पर विधानसभा के, एक लोकसभा के अंदर 8 क्षेत्रों में क्या मत बनता है किसी व्यक्ति के लिए, उसकी ट्राई करो, ये हमने उनको सुझाव दिया है। अब वो तो मैं कैसे कह सकता, पहले मैं तो कहता हूँ ओपीए लागू कायम रखे, चिरंजीव कायम रखे, हमने 50 लाख का वादा किया, सरकार नहीं आवे तो वो वादा निभा दे, क्या फर्क पड़ता है। पब्लिक इंटरेस्ट की बात है ना, 25 लाख तक का तो लागू है, 50 लाख हमने गारंटी दी थी, हम सिस्टम नहीं आ पाए वो आ गए, तो कम से कम बड़ा दिल रख के 50 लाख कर देना चाहिए। कितने लोग आते हैं, ज़्यादा नहीं आते लोग, बहुत कम लोग जरूरत पड़ती 50 लाख तक की बीमा की। खजाना खाली है, कोई खजाना खाली है, हमेशा ऐसे रोते रहते हैं, हर बार आते रोते रहते हैं, खजाना खाली खजाना खाली खजाना खजाना, कभी सरकार खाली होता ही नहीं, हमेशा भरे रहता है, तभी काम होता है। कर्जे लेने पड़ते हैं, हिंदुस्तान की सरकार 55 लाख करोड़ के कर्जे थे 14 के अंदर मोदी जी के जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, देश के केंद्र सरकार में 55 लाख करोड़ के कर्जे थे, आज 1 करोड़ 55 लाख के कर्जे वहाँ पर है। कर्जों की सरकारें चलती है, और उसका भी रेशियो होता है, अप्रोच होती है, एक प्रकार से कहना चाहिए मैनेजमेंट होता है, किस हद तक कर्जा ले सकते हो, जब चुका सको तब कर्जा मिलता है। अगर हम चाहें 1 लाख का कर्जा नहीं ले सकते बगैर भारत सरकार परमिशन के, परमिशन तब मिलती है जब अभी कैपेसिटी होती है, पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है, इसलिए ये भ्रम तो पैदा करना बड़ा आसान काम है। नमस्कार। बीजेपी के एमएलए सर, परंपरा है जब भी विधायकों की मीटिंग होती है उसमें एक प्रस्ताव पारित होता है, और वो प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको अधिकृत किया जाता है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, चाहे हम पक्ष में हों, सत्ता में हों, विपक्ष में हों। और ये पुरानी परंपरा है कांग्रेस पार्टी की, उसी का निर्वहन आज हुआ है। हुड्डा साहब, मुकुल जी और मिस्त्री जी यहाँ पर आए थे ऑब्जर्वर बनके, और एक प्रस्ताव सदन में रखा गया कि आने वाले समय में विधानसभा के अंदर विधायक दल का नेता कौन होगा, उस पर सब ने आम सहमति यूनानिमसली ये पास हुआ रेजोल्यूशन कि जो भी कांग्रेस लीडरशिप AICC के अध्यक्ष राहुल जी और लीडरशिप जो दिल्ली में है, जो भी वो तय करेंगे उसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी नेता प्रतिपक्ष बनने की और विधायक दल का नेता बनने की। और मुझे लगता है अच्छी सार्थक मीटिंग हुई, शॉर्ट मीटिंग हुई, और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। हार के कारणों को लेकर समीक्षा की बात थी, क्या वजह रही, कुछ बात? आज की मीटिंग, मुझे लगता है आज की मीटिंग तो विधायकों से राय लेकर, अब अलग अलग विधायकों से सभी नेता चर्चा कर रहे हैं, ऑब्जर्वर चर्चा कर रहे हैं उनकी, और राय ले रहे हैं कि भविष्य में क्या करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द लोकसभा के चुनाव होंगे, तो लोकसभा चुनावों के लिए अभी से हमें तैयारी में जुटना पड़ेगा। ये बात सही है कि राजस्थान में हमें बहुत उम्मीद थी सरकार दोबारा बनेगी, पूरी मेहनत के साथ चुनाव हम लोगों ने लड़ा भी और सब लोगों ने बहुत मेहनत करी, नेता हमारे खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी लगातार सभाएँ करी, लगभग हर जिले में गए, बावजूद उसके कुछ कमियाँ रही हैं और ये बात इसको स्वीकार करना पड़ेगा, कुछ कमियाँ रहीं, क्या वो कमियाँ थी, उनका सुधार कैसे होगा और कितना जल्दी हम कर पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। इस पर एक अच्छी लंबी चर्चा मैं समझता हूँ ज़रूरत पड़ेगी उसकी, उसका विश्लेषण भी किया जाएगा, मैंने पहले भी कहा कि इसका आत्मचिंतन भी होगा
और आने वाले समय में मजबूती से कांग्रेस पार्टी देश में एक बेहतर विकल्प कैसे बन सकती है, ये हम सबका ध्येय है। कि बाकी जो स्टेट्स हैं, आप सही कह रहे हैं, तेलंगाना में एक शानदार जीत हमारी पार्टी की हुई और वो इस बात को दिखलाता है कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जनता के बीच असली रूप में हम लोग पब्लिक का मन अगर जीत पाते हैं तो चुनाव जीत सकते हैं। दुर्भाग्यवश ये इन तीन स्टेट्स में हम लोग नहीं कर पाए, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। और राजस्थान में तो पुरानी परंपरा है बदलाव की और हम लोग कई महीनों से इस बात में कोशिश कर रहे थे कि ये परंपरा टूटे। मुझे खेद है कि ये नहीं हो पाया, लेकिन एक सशक्त मजबूत विपक्ष बनने का जिम्मा हमको जनता ने दिया है। पहले भी हमको ये काम दिया गया था विपक्ष में बैठने का, बड़ी जिम्मेदारी से हमने उस काम को निभाया था। अभी भी हम एक मजबूत जनता की आवाज़ बनकर और जो नई सरकार बनने जा रही है उसको मजबूर करेंगे कि जनता के लिए काम करें, जवाबदेही तय करेंगे, अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश करेंगे और पब्लिक के बीच में रहकर और मेहनत करने का काम हम लोग करेंगे। सर, 25 सितंबर के बाद आज विधायक दल की बैठक हुई है। सर, 25 सितंबर के बाद आज ही विधायक दल की बैठक हुई है। सर, उस घटना का कितना आप रोल मानते हैं चुनाव में, क्या कारण? देखिए, आप आज हम लोग बैठे थे किसी और मुद्दे को लेकर, मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो भविष्य की बात करनी है और मुझे लगता है बहुत जल्द पार्टी निर्णय लेगी कि आगे कैसे रास्ता तय करना है। मैं हमेशा से युवाओं को प्रोत्साहित करने के पक्ष में रहा हूँ। युवाओं के हाथ में बागडोर राजनीति में देनी चाहिए ताकि नई पीढ़ी को विश्वास में हम लोग लें। और मुझे खुशी है कि इस बार राजस्थान के विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के अनेकों ऐसे नौजवान हैं जिनको जनता ने असीम प्रेम और आशीर्वाद दिया है, वो कामयाब हुए हैं। ये हम सबके लिए, पार्टी के लिए बड़े गर्व की बात है।